तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी देखने को मिल रही है। नेताओं के टिकट को लेकर अपनी पैरवी करना भी शुरू हो गया है। बीजेपी में भी टिकट के लिए नेता हाथ पैर मार रहे हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक इस बार बीजेपी नए चेहरों पर ज्यादा तवज्जो देने के मूड में है। पार्टी के आलाकमान ने दो बार के हारे हुए विधायकों को आजमाने के मूड में फिलहाल नजर नहीं आ रही। दिल्ली विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने बचे हैं, या यूं कहें चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए नेताओं ने भी अपनी पैरवी करवाना शुरू कर दिया है। नेताओं को लगता है कि इस बार मोदी उनकी नैया पार करवा देंगे, पर बीजेपी सूत्रों की माने तो इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी नए और युवा चेहरे उतारने के मूड में है। हालांकि टिकट की दावेदारी तो पुराने नेता के साथ दूसरे दल से आए नेता भी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी उन्हीं चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने के मूड में है जो जितने की कुवत रखते हो। अब इसमें कोई भी हो सकता है। हमेशा वैसे ही उम्मीदवार चयन करना चाहती है जो अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से वो उम्मीदवार बनते उस क्षेत्र में उनकी एक पहचान हो, वो जनता की अपेक्षाओं पर, जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाए। और तमाम जो राष्ट्रीय अधिकारी लोग हैं या प्रदेश के जो पदाधिकारी लोग हैं, जिनको या जो चुनाव के लिए स्पेशल हमारे प्रमुख बनाए गए हैं, सह प्रमुख बनाए गए हैं, इन सभी लोगों को मिल बैठकर वो तय करेंगे और उनके आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। दिल्ली 70 सीटों वाली विधानसभा है, ऐसे में एक एक विधानसभा से कई कई लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अब ये आला कमान को तय करना है कि किसको आजमाया जाए। अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़।